वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बात करूं एडवांस की तो ये एडवांस का भी क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, ये एडवांस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से एडवांस, और अब तो है ना एडवांस को देख के जेई मेंस भी ऐसे कूद कूद के चलता है सीक्वेंस एंड सीरीज में, है ना। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में हम देखेंगे कि जेई मेंस भी कूदता है ऐसे क्वेश्चनों पे। तो सर क्या जेई एडवांस का है या जेई मेंस का है? बेटा एडवांस की स्टेप लगती है इसमें, जेई वाला भी सीक्वेंस एंड सीरीज में ऐसा क्वेश्चन देता है। तो सर क्या हमें कैसे पता चलेगा? मैं बोलूँगा कि ये जो जुड़ रहा है ना बहुत सारी टर्म्स है ना, मेरे को इसको फंडा ख़त्म करना है, मेरे को इनका इनको सोचना है, ऐसे क्वेश्चन में जनरल टर्म जनरेट करनी है। सर जनरल टर्म होती क्या है? अब देखने की कोशिश कीजिए क्या कि सर जनरल टर्म क्या होती है। सुनो, ये जो प्लस प्लस नज़र आ रहा है ना, प्लस प्लस आपको, ये प्लस प्लस, ये जो आपको प्लस प्लस नज़र आ रहा है ना, ये प्लस प्लस है ना, मेरे को एक चीज़ याद दिलाते हैं सर, वो चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। सर ये क्या चीज़ है बेटा? ये इसको सिग्मा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? सर फिर इसका करना क्या है? सिग्मा का मतलब है प्लस करना, और यहाँ देख, यहाँ देख कोस है ना, कोस कोस, हाँ तो कोस थीटा कर। सर जनरल टर्म ही तो लिख रहे हो ना आप? हाँ हम जनरल टर्म ही लिख रहे हैं, लेकिन सर जनरल टर्म में पहली टर्म पहला तो चेंज नहीं हो रहा है आपका। देखो कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, और लास्ट वाले में भी कोस थीटा, इसलिए हमने सोचे बिना ही कोस थीटा लिखा है। तो सर क्या करेंगे आगे? देख यहाँ 3 थीटा है, यहाँ 5 थीटा है, यहाँ 7 थीटा है। हाँ बिना सोचे विगर ही देख दूँ, यहाँ लिख दूँ कोस 2 थीटा, 2n, 2n की जगह 2r लगा, प्लस 1 का थीटा लगा। सर r क्यों लगा दिया? r को वेरी करवाता रहे, r इक्वल्स टू 1 से n तक। हाँ सर समझ में आ गया है। सर ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज की बात है। हाँ तो क्या दिक्कत हुई? सीक्वेंस एंड सीरीज की बात हुई तो क्या दिक्कत हुई भाई, बोलो। हाँ सर यहाँ तक हम कर लेंगे, वापस बताइए सर। मोनिका सोचिएगा बेटा बात को, कि बहुत सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हम उसको ऐड करने के बजाय एक चीज़ में समेट के रख लेते हैं, जिससे हमारे कोई दिक्कत ना होगी। और वो ऐड हमने इसलिए किए हैं क्योंकि जब सम ऐड होता है तो उसकी जगह हम समेशन लगा लेते हैं, और हमने समेशन लगा लिए हैं ये रहा। और पहली टर्म क्या है, दूसरी टर्म क्या है, फिर पहली टर्म क्या है, फिर दूसरी टर्म क्या है, इनको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो पहली टर्म आपकी सेम नज़र आएगी, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा और कोस थीटा। पहली टर्म सेम थी तो हमने पहली टर्म लगा दी भाई, कोस थीटा है। सर दूसरी टर्म चेंज हो रही है, या यहाँ 3 थीटा है, यहाँ 5 थीटा है, यहाँ 7 थीटा है, और यहाँ 2n+1 थीटा है। क्या करेंगे सर? बेटा अब बात आती है सोचने वाली, एन तक तो तुझे जाना है, एन तो तेरी लास्ट टर्म है, एन तो तेरी क्या है, लास्ट टर्म है, तो तू एन की जगह आर लगा। आर लगाते ही फिर आर को वेरी करवा कि भाई R1 है, R2 है, R3 है, फिर लास्ट में जाके आर को बोल दे कि तू एन हो जाएगा। अब सुन, यहाँ तक बातें होने के बाद सारा खेल स्टार्ट होता है। ये स्टेफ है, स्टेफ, ये जो स्टेफ है वो IIT की स्टेफ है भाई। ये जो आपकी स्टेफ है वो IIT की स्टेफ है। हाँ तो इसको ध्यान से देखिएगा, पहले IIT वाली स्टेप की बात जब हम कर लेते हैं, है ना, तो इसको थोड़ा सा एक बार रुकिएगा, इस स्टेप को किस तरीके से डिफाइन करना है थोड़ा सा आगे वाली टर्म में हम देखेंगे। हाँ
यहाँ सर थोड़ा सा नज़र डालिएगा, मैं इसको क्या लगा सकता हूँ, मैं इसको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। हाँ सर लगा तो सकते हो। क्या होगा भाई आपका? सर साइन कोस कोस है तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला बोलिएगा। कोस कोस है तो साइन में आएगा, टू साइन सी प्लस डी। हाँ सी प्लस डी करोगे तो क्या होगा, सी प्लस डी करोगे तो क्या होगा? हाँ जी बोलिएगा शाबाश। सी प्लस डी करोगे तो क्या होगा? हाँ थीटा प्लस टू आर थीटा बाई टू। हाँ जी आगे कीजिएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस उल्टी तरीके से कर लेंगे। हाँ जी क्योंकि साइन में क्या हर है, पहले माइनस लेना होता है। हाँ तो यहाँ क्या कर लेंगे है ना, थोड़ा सा उल्टा कर दूंगा तुरंत ही। टू आर थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा बाई टू। हाँ जी इसको सोल्व करते हैं तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या नज़र आता है। समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, यहाँ वन लगाया नहीं है आपने, ये वन अपॉन ये बनेगा आपका टू साइन बोलिएगा भाई, थीटा प्लस आर साइन। इसको आप इस तरीके से सोचिएगा, वन आर प्लस वन थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन आर थीटा। हाँ अब सुनिएगा, ये जो स्टेप है ये आईआईटी की स्टेप है आपकी, इसको लीजिएगा आप। सर इसको क्यों, अब सुना भाई आप। हाँ अब नज़र डालिएगा जो मैं बोल रहा हूँ और ध्यान से इसको नोट भी कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा। सर कैसे पता चलेगा? देख आर थीटा प्लस थीटा माइनस आर थीटा कट गया, इसका डिफरेंस थीटा को छोड़िए का वन आया, और इसका डिफरेंस आपको ऊपर नजर आएगा, इसका डिफरेंस आपको कहाँ नज़र आएगा ऊपर नज़र आएगा। हाँ जी थीटा कॉमन है तो थीटा को छोड़िएगा बेटा, थीटा कॉमन है आपका। सर इसको थीटा ना लेके आप ऐसे ले लीजिएगा, आर प्लस वन माइनस आर, थीटा कॉमन है तो इसको कॉमन से निकाल लीजिएगा, ये कटा तो आपके पास वन आया। हाँ जी बात करते हैं इनका डिफरेंस वन है और वो आपको हमेशा ऊपर नज़र आएगा। हाँ जितना भी डिफरेंस आए साइन थीटा, जब डिफरेंस वन आए तो साइन थीटा हो जाएगा, जब डिफरेंस टू आ जाए तो कोस थीटा हो जाएगा, जब डिफरेंस थ्री आ जाए तो साइन थ्री थीटा हो जाएगा, इसी तरीके से। हाँ सोचने वाली बात है, याद रखो दोनों का अंतर जितना भी आए उतने साइन से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लिख लीजिएगा बात को। हाँ जी कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा, दोनों के अंतर को कोष्टक में लिख सकते हो आप, आर थीटा प्लस थीटा माइनस आर थीटा, हाँ इक्वल्स टू थीटा लगा लो आप। हाँ जितना भी आए
जितना भी आए उतना साइन थीटा हो, टू थीटा हो, जितना आए उतना उतना ऊपर नीचे क्या कर दे भाई, आप मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, तो यहाँ आपका डिफरेंस क्या आया, वन आया, वन का मतलब थीटा आया है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है सर आर इक्वल्स टू वन से एन, यहाँ हम साइन थीटा लगा दे, लगा दो, नीचे वाले को ऐसा का ऐसा ही कर दे, कर दो, हाँ जी सर। ऊपर जब थीटा लगा दिया आपने तो इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना क्वेश्चन को, तो आपको नीचे भी साइन थीटा लगाना पड़ेगा, और ये जो थीटा वाली टर्म है इसको मैं बाहर लगा दूँ तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा, तो मैंने इसको बाहर लगा दिया है। ये हो गया आपका साइन थीटा। सुनिएगा बात को ध्यान से और गौर कीजिएगा इस बात पर, और ये बात आज आप शेयर कीजिएगा, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो वो बोल सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो साइन थीटा लगवाया है ना ऊपर, ये ऐसे वैसे नहीं लगवाया है, ये सोच समझ के ही लगवाया गया है। सर क्या सोचना है, क्या समझना है, तो देख ऐसा तो ऐसा लिख सकता है बाहर वाला, समेशन लगा सकता है। हाँ अब सुन, ये जो साइन थीटा लगवाया है ना, ये असल में साइन थीटा नहीं था, ये साइन तेरा आर थीटा प्लस वन माइनस आर थीटा था। ये देख, हाँ ये जो तेरा साइन थीटा था ना, साइन थीटा, ये साइन थीटा नहीं था, ये खेलने में ही तेरे को अलग गेम लगेगा। तो यहाँ होगा टू साइन आर प्लस वन थीटा डॉट साइन आर थीटा। यहाँ तक आपके कोई समस्या है तो आप बोलिएगा, मैं इस क्वेश्चन को वापस करवाऊंगा आपको। हाँ लेकिन थोड़ा सा समझिएगा बात को, हमने किया किया स्टार्टिंग से देखिएगा, जो प्लस बहुत सारी टर्म्स ऐड हो रही थी उन टर्म्स को हमने हाँ समीशन में लेके आए। समीशन में लाने के बाद क्या किया हमने, समीशन में लाने के बाद बेटा इसका cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगाया। cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगाते ही हमारे पास एक स्टेप आई, cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगाते ही हमारे पास एक स्टेप आई। उस स्टेप से हमने ये देखा कि नीचे वाले का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उतने अंतर के साइन थीटा या टू थीटा या थ्री थीटा जितना अंतर आया उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आपके पास जो भी साइन थीटा बनेगा या टू थीटा बनेगा, असल में वो साइन टू थीटा या टू थीटा नहीं है, वो नीचे वाले के डिफरेंस के इक्वल ही है। सर ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है देख आगे वाले स्टेप में खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा है तेरा, यहाँ समीशन है आर इक्वल्स टू वन से एन, ये देख साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला बना, या ए माइनस बी का फॉर्मूला नजर आया। हाँ सर ये क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब आर थीटा प्लस थीटा, कोस बी कोस आर थीटा माइनस कोस ए आर थीटा प्लस थीटा इंटू साइन बी का आर थीटा। अब नीचे वाला तेरे को नीचे ही नजर आ रहा है क्या, है ना, ये एक के नीचे है या दोनों के नीचे है, तो आपका जवाब वही होगा कि सर दोनों के नीचे ही है, दोनों के नीचे है तो लगा दीजिएगा टू साइन आठ थीटा प्लस थीटा और साइन आठ थीटा। यहाँ क्या होगा तेरा, टू साइन
आर थीटा प्लस थीटा और साइन आर थीटा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। कुछ कटा होगा सर, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इस टू को भी बाहर निकाल लीजिएगा, क्या बनेगा, वन अपॉन टू साइन थीटा। और यहाँ समेशन आर इक्वल्स टू वन से एन, हाँ ध्यान से सुन, अब यहाँ तेरा कोस बटा साइन क्या होता है, कोट आर थीटा माइनस कोट आर थीटा प्लस थीटा। हाँ जी, इसको आगे सोल्व करके बताइएगा कि आंसर क्या आते हैं। सर समीशन को खोल सकते हो आप, जिस दिन आप समीशन को खोलोगे आपको कुछ चीज़ें नज़र आएगी। इसको मैं थोड़ा सा कि यहाँ ठीक से लिखता हूँ तो क्या नज़र आता है, इसको मैं यहाँ ठीक से लिखता हूँ, आर प्लस वन थीटा। तो सर खोलने पे क्या बनेगा आप ही बता दीजिएगा। तो खोलने पे ये वन बाई टू साइन थीटा तो बाहर रहेगा, यहाँ देख आर की वैल्यू वन रख तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा माइनस कोट टू थीटा प्लस कोट टू थीटा माइनस और थ्री टू थीटा माइनस कोट थ्री थीटा, ऐसा ही चलता जाएगा। लास्ट वाला बनेगा आपका कोट एन थीटा माइनस कोट, मैं थोड़ा सा मेरे कारण नहीं दिख रहा है तो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ वो उतार लीजिएगा, एन प्लस वन थीटा। और जब इधर से कैंसिल होता है नजर आएगा, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, देखो इधर माइनस बचा है तो इधर से ये हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, वन बाई टू साइन थीटा वन बाई टू साइन थीटा, यह बना आपका कोट थीटा माइनस कोट एन प्लस वन थीटा। हाँ जी बेटा, ये आपका आंसर हुआ, कोट थीटा प्लस कोट वन माइनस थीटा एन प्लस वन थीटा। क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी स्टेप एक बार हम फिर से देखेंगे। पहली चीज हमें देखना है कि जब समीशन आ जाए, जब समीशन सॉरी जब टर्म्स ऐड होती है तो उसको समीशन फॉर्मेट में लेके आए, या हम समीशन में लेके आए हैं, या हम समीशन में लेके आए हैं, हाँ जी ले आए। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जब साइन बन रहा है तो साइन का लगा दीजिएगा, कोस बन रहा है तो कोस का लगा दीजिएगा, कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला, कोस सी प्लस माइनस कोस डी का फॉर्मूला बन रहा है, या यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जो भी फॉर्मूला आपको नज़र आए वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात और है कि जब इसको सोल्व करने के बाद आप नीचे ये देखिएगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है। अगर डिफरेंस वन बन रहा है तो ऊपर साइन लीजिएगा, साइन थीटा लीजिएगा, टू बन रहा है तो साइन टू थीटा लीजिएगा, थ्री बन रहा है तो साइन थ्री थीटा लीजिएगा। और एक्चुअली वो साइन थीटा टू थीटा या थ्री थीटा नहीं होता है, एक्चुअली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नीचे वाले का जो डिफरेंस बन रहा है ना वो ऊपर दिखाना होता है हमें, नीचे वाले का जो डिफरेंस बन रहे हैं वो हमेशा ऊपर दिखाना होता है, हमेशा ऊपर दिखाना होता है। हाँ ऊपर इसलिए दिखाना होता है क्योंकि वहाँ से हम टर्म्स को खोल के काटने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका ये जो बहुत ज़्यादा वह टर्म्स ऐड हो रही हैं उनसे ऐड टर्म को देखो हम एक छोटे से लेवल में लिख सके, इसको एक छोटे
इतनी सारी बड़ी बड़ी बातों को हम एक छोटी बात कर सके, है ना। आंसर हमारे छोटी छोट जो बड़ी टर्म में है और छोटी टर्म में इसको शो कर सके। हाँ ये देखिएगा, यहाँ हमने जो काम किया है, यहाँ हमने जो काम किया है वो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ हमने जो काम किया है, यहाँ हमने जो काम किया है वो क्या किया है, ये देखिएगा। हमने ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने बाहर टू को साइन थीटा लिख लिया, और ये समीशन लगाया है आर इक्वल्स टू वन से एन है। जहाँ साइन थीटा था उसको हमने साइन थीटा नहीं लिखा है, उसको हमने नीचे वाले के डिफरेंस में लिख लिया है। नीचे वाले का डिफरेंस है आर थीटा प्लस थीटा माइनस आर थीटा, ध्यान से देख। और नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही है, टू साइन आर प्लस वन थीटा साइन आर थीटा। हाँ, इन दोनों के डिफरेंस में लिखा है हमने, इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर लिखा है। अब क्या करेगा, अब देख तेरा इन दोनों के डिफरेंस को ये लगा दे तू, साइन सी माइनस डी का या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी यहाँ हमने लगाए हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हमने अप्लाई किए हैं। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया है, जो नीचे वाला है उनको दोनों को अलग अलग डिवाइड किए हैं।